ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। अगर ये शेयर निचले लेवल पे मिल जाए फिर कस के पकड़ लेना, मार्केट लीडर है ये स्टॉक। चलिए जानते हैं कौन सा ये स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसके टेक्निकल है और किस लेवल पे हमें इसे बाय करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जैसे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं टोटल शेयर कैपिटल क्या करता है। टोटल शेयर कैपिटल आप देख लीजिए, 2015 से 2019 तक बीच में फोर ईयर सेम रहा है, इट मीन्स के सेम ही है, और बाद में 2019 में उसने बढ़ाया है। तो मतलब जितना ये टोटल शेयर कैपिटल है वो सेम रहे उतना अच्छा, और थोड़ा इंक्रीज हो तो कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अब हम इसके रिजर्व के बारे में बात करेंगे। रिजर्व देख लीजिए आप, कंपनी ईयर टू ईयर अपना रिजर्व इंक्रीज कर रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। आप इसकी टोटल डेप्थ देख लीजिए, आप इसके टोटल डेप्थ में देखेंगे तो कंपनी ईयर टू ईयर अपने डेप्थ को क्या है कि मैनेज कर रही है, मीन्स के डिक्रीज कर रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है। अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर होता है। अब इसके नेट सेल्स देख लीजिए, ईयर टू ईयर चेंज होती रही, मीन्स के एक इंक्रीज साइड में चेंज हो रही है। 2015 में देख लीजिए उसके कंपेयर में 2016 में इंक्रीज, 17 में इंक्रीज, 18 में भी इंक्रीज और 19 में भी इंक्रीज, मीन्स के ये कंपनी अपसाइड ग्रो कर रही है। आप इसके क्या है कि पीएल देख लीजिए, पीएल के मीन्स के प्रॉफिट एंड लॉ बिफोर टैक्स देख लीजिए, आप इसकी पीएल बिफोर टैक्स देख लीजिए, जो भी ईयर टू ईयर इंक्रीज होनी चाहिए देख लीजिए आप। 2015 के मुकाबले 2016 इंक्रीज है, 17 इंक्रीज है, 18 भी इंक्रीज है, थोड़ा सा हल्का सा डाउन साइड है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पीछे इंक्रीज हुआ था, और 2019 में उससे भी इंक्रीज है। अब हम इसके इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ईयर टू ईयर डिक्रीज होना चाहिए, देख लीजिए 2015 में 104 था, बाद में 83 डिक्रीज किया, फिर से डिक्रीज किया, फिर थोड़ा इंक्रीज किया, और 2019 में कंपनी को थोड़ी क्या है कि इंक्रीज करना पड़ा, कोई कारण हो गए उसके लिए, लेकिन क्या है कि ये डिक्रीज मोड में होना चाहिए। हालांकि 3-4 साल उसने डिक्रीज किया और 2019 में फिर से इंक्रीज कर दिया। अब हम जो देखेंगे वो होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जो टैक्स के बाद आता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, ईयर टू ईयर ये इंक्रीज होना चाहिए। अब देख लीजिए 2015 के मुकाबले 16 इंक्रीज है, 17 भी इंक्रीज है, 18 में थोड़ी सी डाउन साइड, मीन्स के फ्लैट ही समझो आप इसको, फ्लैट रहा है, और 2019 में इंक्रीज हुआ है। अब हम इस कंपनी के पी कंपैरिजन और ईपीएस के बारे में बात करेंगे। आप इसकी कंपनी की पी देख लीजिए 27.24, और आप इस इंडस्ट्री ईपी देख लीजिए 23.85, मीन्स के ये अपने इंडस्ट्री के पी से थोड़ा हाई है। जो अच्छी कंपनी होती है ना वो अपने इंडस्ट्री पी के पास या उससे ऊपर ही ट्रेड करती है, क्योंकि क्या है कि अच्छी कंपनी होती है जो उसकी पीयर कंपैरिजन कंपनी से थोड़ा आगे चलती है, इसके लिए उसकी पी भी थोड़ी सी हाई होगी। आप इसकी ईपीएस देख लीजिए 18.12। अब हम इस कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए, क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंक्रीज हो रहा है, देख लीजिए जून 18 से सितंबर 18 इंक्रीज हुआ है, सितंबर 18 से दिसंबर 18 इंक्रीज हुआ, और दिसंबर 18 से मार्च 19 इंक्रीज हुआ है। आप इसकी नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, जो भी एक क्या है कि अपसाइड में दिखाई देगी आपको। जून 18 में 7,136 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बाद में सितंबर 18 में उसको इंक्रीज किया, बाद में क्या है कि दिसंबर 18 में थोड़ा सा डिक्रीज आया है, लेकिन कोई ये इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि इसके आसपास ही है। और देख लीजिए मार्च 19 में देख लीजिए 7,823 करोड़, मीन्स के इंक्रीज हुआ। आप इसकी टोटल डेप्थ देख लीजिए कितनी है, 33 करोड़, और जो इसके एसेट है वो देख लीजिए कितना है, मीन्स के जो आप एसेट और टोटल डेप्थ को कंपेयर करोगे तो मीन्स के टोटल डेप्थ ना के बराबर है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 72% की एक बढ़िया होल्डिंग है। आप इसमें एफआईएस की होल्डिंग देख लीजिए कितनी है, 15.8%। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए 2.49%। हालांकि इस कंपनी में मेरे को एक छोटी सी दिक्कत लगी, वो है प्लेज शेयर। कंपनी ने अपने 2.94% के शेयर प्लेज रखे, मीन्स के उस इतने शेयर उसने
गिरवी रखे हुए। चलिए जानते हैं अब कौन सा ये स्टॉक है, क्या करता है और किस टेक्निकल पे हमें बाय करना चाहिए। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तक हम बात कर रहे थे TCS के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि एक IT की बढ़िया कंपनी है। आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये पिछले कुछ सालों से लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा जूम किया हुआ इसलिए ये अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। आप इसकी दो लाइन देखोगे, ये है ट्रेंड लाइन में इसके, ये जब भी पिछले टाइम पे इसने इधर ही सपोर्ट लिए थे ये लाइन पे, और आप थोड़े दिन पहले की बात देख लीजिए, इधर सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, मैं इसके ये लाइन पे टच करने के लिए जरूर आता है। जो इसका क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है ना वो कौन सा है, ये देख लीजिए, ये जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। लास्ट टाइम में इसने इधर मीन्स के रेजिस्टेंस लिया था, जो अभी थोड़े दिन पहले की बात है इसने इधर रेजिस्टेंस लिया, और ये कल की बात देख लो आप, इसने इधर रेजिस्टेंस लेके एक ग्रीन कैंडल नीचे की ओर दे दी, मीन्स के इसमें गिरावट की साइन इसने दे दी है। अभी हमें कौन से लेवल पे बाय करना, अगर हम चाहे तो हमें ये ट्रेंड लाइन के पास आने दे सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा तो हमें क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो इसके दूसरी सपोर्ट लाइन है वो ये है, जो कि है 2040 के करीब। अगर ये स्टॉक हमें कहीं पे भी 21 से और 2040 के बीच मिल जाए तो हम इसके एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और आपने अभी इस तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।